हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल की क्लासेस में। मेरा नाम है सोनम चौहान और आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। देखिए, ये मैटर नहीं करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ से आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं। मैटर ये करता है कि यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं उसके बारे में, तो ज़रूरी हो जाता है फिर इसके बाद में आपको पॉलिटिकल साइंस के बुक्स की नॉलेज हो जाना। क्योंकि देखिए, कुछ भी सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, जब तक आपको उनके बुक्स की, उनके एडिशंस की, उनके जो राइटर्स हैं वो आपको पता नहीं होंगे, तब तक आप एक अच्छी बुक भी परचेज़ नहीं कर पाओगे, ना ही आपके पास मटेरियल होगा। क्योंकि देखिए, सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है किसी भी स्टडी का, कोर्स का, वो होता है आपका सिलेबस। सिलेबस आपको पता होता है तभी आप वहाँ पे उस चीज़ को स्टडी कर पाते हो। सिलेबस के सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है आपकी बुक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बुक्स का मटेरियल होना चाहिए। बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मॉडल्स, सैम्पल पेपर, वो अपनी जगह पर, अपने लेवल पर काम करते हैं। वो एज ए मतलब एक आप लास्ट में इसको ऑप्शन पर रख सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट आपका ऑप्शन होना चाहिए वो आपकी बुक्स होनी चाहिए। तो आज यहाँ पे जो मैंने ये लेक्चर जो यहाँ पे तैयार किया है वो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स, कुछ एडिशंस हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही लेकर के मैंने यहाँ पे डिस्कस करके रखा है। यानी कि ये जो वीडियो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक देखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिकमेंड करते हैं कि एक बुक्स को लेकर एक लेक्चर तैयार किया जाए, एक लेक्चर बनाया जाए, ताकि उसमें हर एक बुक को वहाँ पर रखा जाए। चाहे आप सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप ईयरली के स्टूडेंट्स हो, यानी कि देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशंस हैं, कुछ में तो बच्चे सेमेस्टर वाइज पढ़ते हैं और कुछ में बच्चे ईयर वाइज पढ़ते हैं। दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अलग हो सकता है, क्योंकि वो हाफ एंड हाफ में पढ़ते हैं, सेमेस्टर वाइज पढ़ते हैं, उनका कुछ जो सिलेबस है वो टुकड़ों में यानी कि पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में अभी भी ग्रेजुएशंस ईयरली वाइज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो उसमें एक ही बार एग्ज़ाम देने को होता है। तो ये जो भी चीज़ होती है, ये पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन जो आपका पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक है वो बिल्कुल सेम होते हैं। हो सकता है, देखिए, मैंने बहुत बार आपको बताया है, बहुत बार इन्फॉर्मेशन दी है, ये कन्फर्म किया है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे उसको फर्स्ट ईयर में रीड करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको सेकेंड ईयर में रीड करने को मिलता है, कुछ फाइनल की चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में रीड करने को मिलती है। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बस आपको क्या करना है, आपके पास सिलेबस है, आपके पास सिलेबस में से जो टॉपिक आपका मैच होता है, बुक आपकी मैच होती है, तो हर एक वीडियो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी बुक की, जो हमने यहाँ पे लेक्चर रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात करते हैं, जो स्पेशली बीए के लिए, आज पूरा का पूरा ये सेशन बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो पेपर्स हैं उनमें जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में जो पुखराज जैन की, डॉक्टर पुखराज जैन की जो बुक है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, आप हिंदी एडिशंस में लेना चाहते हैं, तो ये बुक बहुत अच्छी है, साहित्य पब्लिकेशंस की है, और दोनों पेपर आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। राजनीति सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी, जो आपका फर्स्ट पेपर लगा हुआ है, और जो सेकंड पेपर है जो भी है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी, इसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है लैंग्वेज को लेकर के स्टार्टिंग में पढ़ने में, वो बहुत हद तक इसमें वो सिंपल दी गई है, तो ये प्रॉफिटेबल होती है हिंदी के बच्चों के लिए। अगर बात करते हैं इंग्लिश मीडियम से, यानी कि अगर आपको इंग्लिश एडिशंस में चाहिए, तो देखिए, एक तो आती है आर सी अग्रवाल की, एस चंद की ही आर सी अग्रवाल की आती है, वो आप ले सकते हो। और एक यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे शो की हुई है, डॉक्टर एडी आशीर्वादम के मिश्रा, एस चंद की है पॉलिटिकल थ्योरी, ये आप यहाँ पे ले सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स से मैच हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आप उसको रीड कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट है यहाँ पे सेवन्थ एडिशन से, यहाँ पे देखिए एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ओ पी होबा की, ये बहुत ही अच्छे बुक्स यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा। ओ पी गोबा की सारी ही पॉलिटिकल जो साइंस की जो आपकी बुक्स हैं वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होती है, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखी गई हैं और काफ़ी सिंप्लीफिकेशन है। तो ये तीनों बुक्स हैं, आप जहाँ से भी, मतलब आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं या आप हिंदी एडिशन से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इन बुक्स को परचेस कर सकते हो।
या जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो वहाँ के लाइब्रेरी में ये आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप परचेज करा सकते हो या बाहर से कहीं से भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर BA। देखिए ग्रेजुएशन में आपका फर्स्ट ईयर का ही मैं बताऊँ तो फर्स्ट ईयर में सेकेंड पेपर होता है ये, या किसी का अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज में किसी भी सेमेस्टर में पेपर ज़रूर होगा, ये टॉपिक ज़रूर होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके पुखराज जैन की, देखिए ग्रेजुएशंस में पुखराज जैन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिशंस माना जाता है, काफ़ी अच्छा ऑथर है, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में ये बुक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, यानी कि जो जो फ्लेक्सिबिलिटी लैंग्वेज की है वो इसमें मिलेगी आपको। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय संविधान, लेकिन नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो ये आप परचेस करा सकते हो। फिर दूसरी है इंग्लिश एडिशन में ही है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो ये एसचंद की है, RC अग्रवाल की, डॉक्टर महेश भटनागर की, आप ये एडिशंस भी परचेस कर सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो दोनों बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि अगर आप इंग्लिश में रीड करना चाहते हो तो ये बुक अच्छी है, और अगर हिंदी में करना चाहते हो तो पुखराज जैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स फॉर बे, ग्रेजुएशंस में एक पेपर आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स भी आता है। देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशंस की बात करिए, 3 ईयर की ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पेपर कौन सा है। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स की यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिनमें एक पुखराज जैन की ये है, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पुखराज जैन आपका पूरा ग्रेजुएशन में कम्प्लीट करता है, ओवरऑल अगर आप पुखराज जैन की हर ईयर या सेमेस्टर वाइज बुक्स लेंगे अगर आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत हद तक आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में इन्होंने इनको एक्सप्लेन किया है। दूसरी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट जो ऐसे पालेकर है, इसकी आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे एक नरेन पब्लिकेशन की कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नरेन पब्लिकेशंस की भी इंग्लिश एडिशंस में आपको बुक्स मिल जाएंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर और बी ए, तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, जो आपको हिंदी में मिल जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस पॉलिटिकल थिंकर, जो स्पेशली पुखराज जैन की है। देखिए पुखराज जैन की तो आप ग्रेजुएशन में एक बार एडमिशन्स लीजिए पॉलिटिकल साइंस में, तो आप पूरी ग्रेजुएशंस में अगर आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, आप हिंदी में रीड करना पसंद करते हैं, ये आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, या आपकी हॉबी पे डिपेंड करता है कि आप, भले ही आपको इंग्लिश पसंद है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हिंदी में पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है, तो जो पुखराज जैन है इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर, तो इसका तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं है, बहुत अच्छी बुक्स इनकी है, तो ये आप परचेस करा सकते हो। दूसरी है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो एम जे पलायन, थोड़ा सा मतलब प्रोनाउंसिएशंस में दिक्कत हो सकती है। एंड देन नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो आपके इंग्लिश में, जिस जो इनको रीड करना चाहते हैं, जो इंडियंस के जो भी थिंकर हैं इनको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो ये वाले बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर OP घोबा की इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये नहीं तो आप OP घोबा की परचेज करा सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो पुखराज जैन की भी एक बुक्स आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, वो आप हिंदी में ले सकते हो। देखिए पुखराज जैन की तो मतलब अगर ग्रेजुएशन में कोई आपसे पूछता है ना कि हिंदी में कोई बुक्स बताइए पॉलिटिकल साइंस की, तो पुखराज जैन इज़ ए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर राइटर्स जो भी है, आप ये बोल करके आप ले सकते हो, किसी को भी बता सकते हो, ठीक है। ये तो फर्स्ट प्रेफर पे ही रहता है, पहली पसंद पुखराज जैन मानी जाती है। और अगर मास्टर डिग्री की बात करें तो वहाँ पे BL फाड़िया, OP घोबा, इनको वहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थॉट इंग्लिश में भी अगर आप रीड करना चाहते हैं तो OP घोबा की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे पाश्चात्य राजनीति विचार, ये हिंदी में है, ये भी देखिए OP घोबा ने इंग्लिश में भी लिखी हुई है और हिंदी में भी है, तो आप ये चूज़ कर सकते हो कि आपको हिंदी में स्टडी करनी है या आपको इंग्लिश में स्टडी करनी है, तो आप इन दोनों में से कोई सी भी बुक ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे OP घोबा का तीसरा, यानी कि इन्होंने 7वां संस्करण स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बनाई हुई है, तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो OP घोबा और पुखराज जैन,
और एक एसचंद की बुक्स आती हैं इनकी, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आप कहीं से भी, आपको हर एक स्टोर पर मिल जाएगी, जो भी बुक्स वगैरह के जो स्टोर होते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट एक और यहाँ पे अगर सेकेंड ईयर की बात करते हैं, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी में ये सेकेंड जो आपका पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये BA सेकेंड ईयर में लगा हुआ है। कहीं पर आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा, कहीं पर आपको सेमेस्टर वाइज, बस आपको अपना पेपर्स में चेक करना है कि आपका कौन सा पेपर है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे एक मतलब फॉरेन एडिशंस की है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यहाँ पे सेकेंड एडिशन है ब्रियन एंड नेल्सन, तो ये फॉरेन की है, यानी कि जो बाहर के जो ऑथर हैं उनके द्वारा यहाँ पे पब्लिश की गई है, ये आप ले सकते हो अगर एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। एंड देन नेक्स्ट जो मैंने बताया था पुखराज जैन की बहुत अच्छी बुक्स है, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचार, रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर BA। देखिए ग्रेजुएशंस में जो आपका पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस का, तो उसमें लोक प्रशासन की जो बुक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अवस्थी एंड माहेश्वरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे डॉक्टर LD गुप्ता, इसकी भी आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ तो लैंग्वेज इसमें आपको बहुत ज़्यादा सिंपल मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत की आप पढ़ते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है, लेकिन फिर भी अगर LD गुप्ता की बात करें या अवस्थी एंड माहेश्वरी की बात करें, तो UPSC के बेस पर ये बुक्स होती हैं, तो काफ़ी हद तक इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। लक्ष्मीकांत की UPSC के बेस पे है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं लैंग्वेज स्टाइल का, तो इनमें बहुत अच्छी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको पढ़ने में नहीं होगी। एंड देन नेक्स्ट तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन M लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी फेमस बुक, तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी और कंसेप्ट के साथ रवि गोयल की है, ये भी आप ले सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में जिसमें आप चाहे रीड करना उसमें आप कर सकते हो। तो आज के इस प्रॉपर लेक्चर में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं, वो हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपको इससे मतलब इंफॉर्मेशन्स मिली है, तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख करके बता सकते हो, साथ साथ में उसको लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो जाए, और जिनके अंदर जो भी कन्फ्यूजन्स है बुक्स को लेकर के, सैम्पल पेपर को लेकर के, उनका कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए, उनको इन्फॉर्मेशन मिले। और नई नई इसी तरह की सीरीज़ अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। उसके साथ साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में, एक हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और डाल दिया है, वहाँ पे जा कर के आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बुक्स वगैरह होगी, थॉट वगैरह होगे, जो इंपॉर्टेंट समरीज हैं इनकी भी वहाँ पे पोस्ट हम लगातार अपलोड करते रहते हैं। और इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।